खैर, पहले चरण के चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन था। सभी पार्टियों के नेता वोट मांगने निकले थे, लेकिन आरएलडी के गढ़ बागपत के छपरौली में बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर पत्थरबाजी की गई और कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई गई। पुलिस अब आरोपियों की पहचान में लगी है। ये तस्वीरें हैं बागपत के छपरौली से विधायक और बीजेपी उम्मीदवार सहेंद्र सिंह के काफिले की, जहां काफिले पर आरएलडी समर्थकों ने पत्थर चलाए। बीजेपी प्रत्याशी सहेंद्र सिंह रोड शो निकाल रहे थे, तभी गुस्साए लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकल आए और काफिले पर गोबर उपलों के साथ ही पत्थरों से हमला कर दिया। आरएलडी समर्थकों ने कानून को धता बताते हुए रोड शो में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फावड़े और लाठियों से हमला किया। रोड शो में अफरा तफरी मच गई। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को भी अराजक तत्वों ने नहीं बख्शा। महिला कार्यकर्ताओं की गाड़ी को हमलावरों ने अपने निशाने पर लिया। रोड शो में विधायक की सुरक्षा में सादी वर्दी में तैनात पुलिस कर्मियों पर भी हमलावरों ने लाठियां चलाई। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे अराजक तत्वों की पहचान करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वीडियो के आधार पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें 3 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई प्रचलित है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा चुका है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वही विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सहेंद्र सिंह ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। मेरा जन समर्थन था, जन समर्थन के मेरे कुछ साथियों के साथ में अभद्रता की गई है और मुझे इस बात का बेहद दुख है कि महिलाओं के साथ में अभद्रता की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है। ये हमारे लोकतंत्र में बेहद शर्मनाक बात है। लोकतंत्र में जनता को विरोध करने का अधिकार है, किसी का काम पसंद न आए तो वोट के जरिए उसे बाहर करने का अधिकार भी है। चुनाव में मौका नाराज लोगों को मिला भी है तो सवाल है कि लोकतंत्र को गुंडा तंत्र क्यों बनाया जा रहा है, क्यों किसी को प्रचार करने से रोका जा रहा है। ABP News, आपको रखे आगे।